नेकलेस पाइनएप्पल केक। और इस केक की खासियत ये है कि ये ना तो ओवन में बनेगा, ना ही कुकर में, ना कढ़ाई में, डायरेक्ट सॉस पैन में ही बनेगा। इसके लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे। उसके लिए एक छलनी ले ली और 1.5 कप मैदा लेंगे, 1 कप और ये 1/2 कप। और मेजरमेंट्स का हमेशा ख्याल रखें। आटा इस तरह से लिया हमने, पूरा ऊपर तक नहीं भरा है, इसको हम छान लेते हैं। मैदे को हमने छलनी से छान लिया है, इसको हम 2 बार छानेंगे। एक बार हम छान चुके हैं, दूसरी बार हम एक दूसरा बर्तन ले लेते हैं और यही मैदा इसमें डाल देते हैं। और साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर कोई भी ब्रांड का आप ले लें, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर हमें लेना है। ध्यान रहे सारे इंग्रेडिएंट्स मेजरमेंट के हिसाब से ही लें। ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा हम पकोड़े वगैरह में डालने में काम में लेते हैं, वो भी इसमें डाल देते हैं और इसे भी हम छान लेते हैं। फ्रेंड्स, इसको हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालने के बाद में छान लिया है। अब जबकि हमने इसके अंदर ये सोडा और पाउडर, बेकिंग पाउडर डाल दिया है, तो इसे हम इसके साथ में और एक बार छानेंगे। इसीलिए इसको बार बार छान रहे हैं ताकि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और अगर ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं होंगे तो हमारा केक स्पॉन्जी नहीं बन सकेगा। इसे एक बार और छान लेते हैं। टोटल हम 3 बार छान रहे हैं। केक बनाने के लिए मेन 2 तरह के इंग्रेडिएंट्स आपको पता ही चाहिए, एक वेट इंग्रेडिएंट्स और दूसरा ड्राई। ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी है, अब चलते हैं वेट इंग्रेडिएंट्स। अब हम एक और बाउल ले लेते हैं और उसके अंदर हम डालेंगे गीला मिश्रण। सबसे पहले हम दही ले लेते हैं। इस बाउल में हम 1/2 कप दही ले लेते हैं। दही को हम मेजर कर लेते हैं। ये हमारा 1/2 कप है, ये 1/2 कप का मेजरमेंट है, ये फुल कप का मेजरमेंट है जिससे हमने मैदा लिया था 1.5 कप करके। ये देखिए, ये 1/2 कप दही ले लिया। अब हम लेंगे 1 कप पाउडर्ड शुगर। अब ले लेंगे 1 कप पाउडर्ड शुगर, यानी कि ये पिसी हुई चीनी है जो हमने 1 कप ली है, 1/2 कप दही और 1 कप पिसी हुई चीनी। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दही और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, चीनी घुल गई है इसके अंदर और मिक्स हो गई है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 कप ऑयल। ऑयल हमको स्मेललेस लेना है, मतलब न्यूट्रल ऑयल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऐसा ऑयल लें जिसकी खुद की कोई स्मेल नहीं है, जैसे सोयाबीन का ऑयल है या कॉटन सीड है, सनफ्लावर ऑयल है, इस तरह का ऑयल लेना है। इनमें खुद की कोई स्मेल नहीं होती, स्मेललेस ऑयल है। और जैसे कि आपको पता है सरसों का तेल बहुत ही स्ट्रांग होता है, सरसों का तेल तो आप भूल कर भी मत डालिएगा, नहीं तो आपका केक का कबाड़ा हो जाएगा, केक बिल्कुल बेकार बनेगा और उसमें सरसों की ही स्मेल आएगी। इसीलिए अगर आपके पास में स्मेल लेस ऑयल नहीं है इस तरह का, तो आप अगर मूंगफली का तेल यूज़ कर रहे हैं या तिल का तेल यूज़ कर रहे हैं कोई भी, तो उसको पहले अच्छी तरह से बॉईल कर लें तेल को, और फिर उसे ठंडा करके रख लें, फिर डालें, तो उसकी स्मेल थोड़ी कुछ कम हो जाएगी। लेकिन हो सके तो आप न्यूट्रल ऑयल ही यूज़ करें, और नहीं है तो आप इसके लिए घी ले लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे मैदा और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो हमने छान के रखा था वो।
ये जो हमने सूखे मसाले मिक्स किए थे मैदे के साथ में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ये इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इस तरह से मिक्स करना है, ऐसे गोल गोल घुमाइए और बीच में से ऐसे चम्मच को इस तरह से लीजिए। मैदे को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे दूध। दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और दूध हमने लिया है 3/4 कप दूध लिया है और ये रूम टेम्परेचर पे ही है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। इसे भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। मिक्स हो गया है और इस तरह देख पा रहे हैं, इस तरह की कंसिस्टेंसी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पाइनएप्पल एसेंस। केक के बैटर में हम डाल देते हैं 1/2 टीस्पून पाइनएप्पल एसेंस और थोड़ा सा पीला कलर। पाइनएप्पल एसेंस डालने के बाद में एडिबल फूड कलर मिक्स करेंगे। ये येलो कलर का है, इससे हमारा केक थोड़ा सा येलो बनेगा। कलर इसमें बहुत ही कम डालें नहीं तो कड़वा लग सकता है। ये देखिए इसमें पीलापन आ गया है, बस इतना ही डालना है। अब हम एक तवा गर्म करने के लिए रख लेते हैं। भारी तवा कोई सा भी आप ले सकते हैं जो आपके घर में हो। तवा गर्म हो रहा है तब तक हम सॉस पैन ले लेते हैं जिसमें हमें केक बनाना है। सॉस पैन हर घर में होता है, चाय बनाने वाला जो सॉस पैन होता है ना, ठीक वही। तो हम एक सॉस पैन लेंगे और एक बटर पेपर लेंगे उसकी साइज का और ग्रीस कर लेते हैं जब तक तवा गर्म हो। आप कोई भी छोटा या बड़ा जो भी आपके घर में अवेलेबल है ले सकते हैं। अब हम बटर पेपर नाप का काटेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे ये बिछा देते हैं बटर पेपर और एक पेन से निशान बना लेते हैं। पेन से हमने निशान लगा लिया है इसके बराबर, ये देखिए। इसको अब हम काट लेते हैं गोलाई। ऑयल या जो भी आप चाहो अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसके अंदर पार्चमेंट पेपर डालेंगे। जो बटर पेपर हमने काट के रखा था वो बिछा देते हैं, इसके ऊपर भी हम ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा केक टीन तैयार है। इसके अंदर हमने जो ये बैटर तैयार किया है वो डाल देते हैं। बैटर हमने सॉस पैन में डाल दिया है और इसे इस तरह से टैप करेंगे ताकि इसमें जो भी एयर है वो निकल जाए। टैप कर लिया, तवा गर्म हो चुका है। तवा गर्म हो चुका है और केक का बैटर हमने सॉस पैन में डाल दिया है। सॉस पैन को ढक्कन लगा के तवे पे रख दे चुका है। आंच को हम कम कर लेते हैं और ये सॉस पैन तवे पे रख देते हैं। अब इसे हम 40-45 मिनट के लिए बेक करेंगे। बीच बीच में थोड़ी देर बाद में चेक भी कर लेंगे और
मेरे हिसाब से 40 से 45 मिनट लगेंगे। केक को हमने चेक कर लिया था, टूथपिक डाल के देखा था, वो बिल्कुल ही क्लियर निकली थी, उसमें कोई चिपका नहीं था केक हमारा। इसका मतलब ये अच्छी तरह से पक गया है। अब इस केक को, जैसे हमने कहा कि इसकी खासियत है कि हमने इसे न कुकर में बनाया है, न कढ़ाई में, न ओवन में, हमने इसे डायरेक्ट सॉस पैन में बनाया है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप ऐसा सॉस पैन लें जिससे आप श्योर हों कि ये चिपकेगा नहीं या जलेगा नहीं, और तवा भी लें तो मोटे तले का लें, बिल्कुल मोटा तवा लें। पतला तवा हो तो आप उस पर बिल्कुल भी मत बनाइएगा, और अगर आपका सॉस पैन भी अगर पतला है तो भी आप उसे ना लें, ऐसी रिस्क ना लें। हमेशा श्योर हो जाएं कि आपका सॉस पैन भी मोटे तले का है, आपका तवा भी मोटा है, तभी इस पर वो सही बनेगा, नहीं तो केक जलने के पूरे चांसेस। अब हम इसके ऊपर एक प्लेट रख देते हैं और इसे पलट लेंगे। इस तरह से प्लेट रखी और केक को इस तरह से इसके ऊपर, ये देखिए हमने केक को इस पे प्लेट के ऊपर पलट दिया है। केक को हमने प्लेट के ऊपर पलट लिया है और अब बटर पेपर को रिमूव करेंगे और देखते हैं कि केक नीचे से सही सिका है या नहीं। ये देखिए कितना बढ़िया केक बन के तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छी तरह से सिक चुका है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि बिना ओवन, बिना कुकर, बिना कढ़ाई, इन सब चीज़ों में, बिना केक के मोल्ड के हमने डायरेक्ट सॉस पैन में बनाया है। ये इसीलिए आपको रेसिपी हमने दिखाई है कि कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास ओवन नहीं है, हम कैसे बनाएं। कई लोग अंडे नहीं खाते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि बिना अंडे का केक कैसे बनेगा, और कई बार क्या होता है कि बिना अंडे का केक कंडेंस्ड मिल्क से बनता है, वो भी हमारे पास नहीं है, तो हम सोचते हैं कि अब केक कैसे बनाएं। तो इसीलिए ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है, और हमेशा मेक श्योर, मैं आपको फिर कह रही हूँ कि आपका तवा मोटा होना चाहिए, आपका सॉस पैन भी मोटा होना चाहिए, तभी आपका केक इस तरह का बनेगा। इस तरह से सीधा करके प्लेट में रख दिया और इसको हम आपको काट के दिखाएंगे। केक को काट लेते हैं। ये हमारा सुपर स्पॉन्जी, सुपर फ्लफी केक बन के तैयार है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं केक कितना सॉफ्ट बना है, मैं आपको दबा के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको दबाते हैं तो ये वापस से ऊपर उठता है।